हाँ जी मैम, सर ये कॉल आपको पोर्ट ऑफ कैंसिलेशन के लिए की गई है, जिससे आपका नंबर किसके लिए वोडाफोन की गई है आइडिया मैम? पोर्ट आउट कैंसिलेशन के लिए की गई है सर। जी अच्छा, पोर्ट आउट कैंसिलेशन के लिए। सर, इससे आपका नंबर सर वोडाफोन आइडिया में बना रहेगा। सर मैं अच्छा, जानना तो चाहूंगी आप मैम आपने कहाँ से बात सर, कर रहे हैं? हम वोडाफोन आइडिया बात कर रहे हैं। अच्छा, बीकानेर से? बीकानेर जी सर, से बात कर रहे हैं क्या मैम? अच्छा, वोडाफोन आइडिया से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप वोडाफोन वालों से बात कर लो फिर, बात नहीं मैं से कर लेना। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं हम वोडाफोन आइडिया से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप उससे बात कर रहे हो? ओके ओके, आप कर लो। सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है सर, हम आपसे बात, हमारे द्वारा सिम पोर्ट आउट कैंसिलेशन के लिए की गई है। जी अच्छा, यूँ? हाँ बोलो बोलो मैम। सर, हाँ मैं जी, आपसे जानना चाहूंगी आपने सिम पोर्ट कराते समय कोई पैसे दिए थे दुकानदार को? हाँ सर हाँ कितने रुपए दिए थे आपने? पूरे पूरे 199। 199 रुपए दिए हैं? हाँ जी मैम। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने 199 रुपए दिए, मैं आपको बताना चाहूंगी आपको 199 रुपए तो नहीं, लेकिन आपको आने वाले 3 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 150 रुपए रिफंड करा दिए जाएंगे, जो कि आके आपके मेन अकाउंट बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है सर, अच्छा, जिनसे हाँ जी, आप कोई रिचार्ज करा सकते हैं, कोई प्लान एक्टिवेट करा सकते हैं, या फिर किसी ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सर मैं बताना चाहूंगी आपके नंबर पर बेस्ट ऑफर चल रहा है, वन नाइन्टी मेरे नाइन में 1 GB डाटा पर डे, अनलिमिटेड लोकल रोमिंग एसटीडी कॉल। जी सर, जी, 199 में 1 GB डाटा पर डे, अनलिमिटेड लोकल रोमिंग एसटीडी कॉल, 100 SMS पर डे, 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ। सर आप इस ऑफर का लाभ 72 घंटों के अंदर उठा सकते हैं। उसके लिए सर आपको पहले पोर्ट आउट मैम कैंसिलेशन आपकी का, आवाज बहुत अच्छी है वैसे। जी सर आपको उससे पहले पोर्ट आउट कैंसिलेशन का मैसेज भेजना होगा। सर मैसेज भेज देंगे आप? हाँ भेज दूँ व्हाट्सएप पे क्या? नो सर, सर आपको ये मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है। सर आपको मैं एक लिखा लिखा है मैसेज भेजूंगी, उसे आपको 1900 पर फॉरवर्ड करना है। 19 रुपये? 1900 पर भेज सर भेज देंगे आप मैसेज? मैसेज आपको भेजना है क्या? तो जी मैम आपके नंबर बोलो, व्हाट्सएप मैं भेजता हूँ। सर, आपको SMS में भेजना है, अच्छा, और SMS मैं करूँ आपके? ठीक है, आपके नंबर बताओ मैं। सर 1900 पे आपको मैसेज करना है। सर ये नंबर थोड़ी होते हैं मैम, हमारे तो 10 नंबर के होते हैं नंबर। नहीं ये हाँ मेरे पास ही आपका मैसेज आ जाएगा। झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा सर मैं थोड़ी होता आपको, है। जी सर आपका ये मैसेज मेरे पास आ जाएगा, आप भेजिएगा मुझे 1900 पर। नहीं, तो सर मैम आप यहीं से हो ना? जी सर, हम वोडाफोन आइडिया से बात कर कौन रहे हैं। सिटी कौन से बात कर रहे हो मैम? वो तो मेरे को पता चल गया। सर बारे में हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। नहीं, मैम गलत बात है, आप हमारी सारी जानकारी ले रहे हो बट अपनी नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। और फिर आप जी कह रहे सर हो हमें, मैसेज कर दो, फिर अपनी बात कैसे होगी? जी सर मैंने आपको बताया तो है अभी। मैम नहीं, गलत बात है। फिर मैं 1900 पे फोन करूंगा, आप फोन नहीं उठाओगे, मेरे को पता है फोन लगेगा ही नहीं। सर आप 1900 पे फोन नहीं करना है आपको, 199, 199, 198 पे फोन करना है। अच्छा, 199, 198, ऐसे जी सर, तो नंबर ही स्टार्ट नहीं होता है। आपका ही नंबर 121 से आया है जी सर ये कस्टमर का नंबर होता मैम। ये है। पीछे इतना शोर क्यों है आपके? जी सर, इतने पीछे शोर क्यों कर रहे हैं वो लोग? इतनी अच्छी वॉइस है आपकी, वो सुन नहीं पा रहा उनकी वजह से मैं। सर आप मैसेज भेज देंगे? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ पहले, हाँ भेज दूंगा, आपने व्हाट्सएप नंबर तो दो मैम। सर आपको ये मैसेज ना 1900 पर ही भेजना है। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ, आप रिप्लाई करो मेरे को। हाय लिख के भेजू? नहीं सर, मैं आपको देखिए लिखा लिखाया मैसेज भेज रही हूँ, आप उसे मैसेज को भेज दीजिएगा 1900 पर मेरे पास। अच्छा, आप पहले भेज रहे हो मेरे को मैसेज? जी सर, मैंने आपको देखिएगा मैसेज ना
आ गया होगा आपके पास मैसेज। हाँ मैम आया है ना सर, आप इस मैसेज को 1900 पर फॉरवर्ड कर दीजिए, जो कि मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको सिस्टम में चेक करके बता दूंगी। अच्छा मैम क्या बताएंगे मैम, जैसे आप कुंडली देखती हैं जी सर, आप कुंडली भी चेक करती हैं? क्या करते हैं सर? कुंडली कुंडली चेक करते हैं ना ज्योतिषी जो? नो सर, हम आपके नंबर की डिटेल चेक करते हैं। नहीं नहीं मैम ऐसे तो मेरी सारी डिटेल्स जो भी है जितने भी मेरे गर्लफ्रेंड्स हैं वो सारी सामने आ जाएगी ना, सर ऐसा थोड़ी होता है। आप केवल हमें मैसेज सेंड कर दीजिए, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा चलो मैम मैं मजाक कर रहा था इतनी देर से, मेरे को कैंसिल नहीं करवाना है, मेरे को एक्चुअली लेनी ही है एयरटेल, तो आप सर प्लीज़ यूँ यहाँ परेशान होंगे कोई वो नहीं है, और बस इसी वजह से चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ इस एरिया में नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी वोडाफोन का। जी सर, असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे, मैं आपकी समस्या को समझ पा रही हूँ, आप निश्चिंत तो मैम रहिएगा। आप नहीं समझ रहे, मैंने आपसे पहले भी एक मैम से बात की वो भी नहीं समझे, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं रहता। आपने कंप्लेन रेज कराई थी? हाँ बट वो कह रहे कि आपके एरिया में वोडाफोन का टावर ही नहीं है। जी सर, सर आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपकी कंप्लेन हाई प्रायोरिटी पर रेज कर दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। नहीं नहीं मैम ऐसा 3-4 बार ट्राई कर लिया बट अभी मेरे पास जितनी भी वोडाफोन की सिम थी 6-7 वो सारी पोर्ट करवा दी, तो आप अभी मेरे को कॉल कर रहे हो मॉर्निंग से, मैं इसको 4th time आपका कॉल आया है। जी सर। हाँ सर आप केवल हमें 72 घंटों का समय दीजिए, आप एक मौका देके दीजिएगा हमें। नहीं नहीं मैम एक मौका मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी दिया फिर भी छोड़ के चली गई ना, तो वो तो मेरी अपनी थी, मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूँ। जी सर, आप हमें 72 घंटों का समय दे दीजिए ताकि जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। 72 घंटे चलो मैंने आपको दिया सर, आपको उससे पहले पोर्ट आउट कैंसिलेशन बट मैं बात आपसे ही करूंगा फिर, कोई दूसरा बंदा कॉल नहीं करना चाहिए। जी सर, सर आप पोर्ट आउट कैंसिलेशन का मैसेज भेजिए, यदि फिर भी उसको बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है मैम? सर वोडाफोन आइडिया से विशाखा बात कर रहे हैं। विशाखा जी सर। नाइट नेम सर आप मैसेज भेज दीजिएगा। हाँ जी भेजता हूँ सर। आप आपके नंबर वही है या चेंज हो गए जिसमें लास्ट में 4949 था या 392 ऐसा कुछ करके था? सर आप मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको 1900 पे भेजना है। ओके 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 विशाखा आप काम कीजिए, मैं ऐसे मजे ले रहा था थोड़ी देर आपके। चलो बाय बाय सर, लास्ट डिसीजन आपका फिर सिम्पोर्ट नहीं कराएंगे क्यों मैम? सर लास्ट डिसीजन आप सिम पोर्ट ही करा रहे हैं। नहीं आप कुछ बढ़िया ऑफर दो या फिर बढ़िया यहाँ नेटवर्क चलो, मेरे क्या वोडाफोन रख लेंगे। सर आपसे कहा तो है आपकी नेटवर्क कंप्लेन को हाई प्रायोरिटी पे रेस कर दो। नहीं लगता मैम, आपके जो हाई प्रायोरिटी है ना वो भी बीच में नहीं आते हैं। सर डाटा में इश्यू आ रहा है, कॉलिंग में इश्यू आ रहा है? दोनों में इश्यू आ रहा है मैम, कॉल भी नहीं लगता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ कवरेज एरिया। आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ रही है सर, जैसे कि मैं सुन पा रही हूँ। आप तो सुन पा रहे हैं मैम, कंपनी से तो बात एकदम क्लियरली होती है, और एक्चुअली इसी चक्कर में मेरा 3 ब्रेकअप हो गए, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कॉल करती आउट ऑफ कवरेज एरिया आउट ऑफ कवरेज एरिया, तो वो लेके मेरे ऊपर गुस्सा कर गई कि कहीं फ़ोन बंद रखते हो और दूसरे फ़ोन पे चालू रहते हो, इस वजह से फिर मेरे को गुस्सा आ गया वोडाफोन पे और कुछ नहीं। जी सर आप थोड़ा समझ रहे हो ना मेरी पर्सनल फीलिंग, आप भी समझो, मैं भी आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ कि आप चाहते हैं मैं पोर्ट ना करवाऊँ, बट आप भी थोड़ा समझो। सर आपका फिर ये लास्ट डिसीजन है कि आप सिम पोर्ट ही कराएंगे? मैम और कोई ऑप्शन नहीं है, 3 चली गई है, 4th अब एज भी हो रही है, तो वापस गर्लफ्रेंड लाऊं कहाँ से यार, ये दिक्कत सारी है ना। सर वी में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो, आशा करते हैं आप 90 दिनों बाद वी की सर्विस का लाभ ले पाए। नहीं मैम सॉरी, हमें आपसे दूर होना पड़ रहा है, मन मेरा भी नहीं है बट अब होना पड़ेगा, सॉरी।
सर आशा करते हैं आप 90 दिनों बाद वी की सर्विस का लाभ ले पाए। वी में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। आप अपनी ओके तरफ से कॉल रख सकते हैं सर। नहीं मैम आप रख दीजिए। आपकी ओर से कॉल समाप्त ना किए जाने के कारण हमारी ओर से आपके कॉल को समाप्त किया जाता है। हाँ ठीक है भाई।